छात्रों और हमारे खास मित्र, आज एक बार फिर जेपीएससी पीटी पेपर टू के एक महत्वपूर्ण चैप्टर फर्स्ट चैप्टर उस सिलेबस का झारखंड के इतिहास के अंतर्गत शासन व्यवस्था में मैं स्वरूप सर आपका स्वागत करता हूं। छात्रगण, जैसा कि आपको मालूम है, जेपीएससी पीटी पेपर टू का एक चैप्टर है झारखंड का इतिहास के अंतर्गत जनजातियों की शासन व्यवस्था। छात्रगण, मैंने बताया था कि जेपीएससी पीटी पेपर टू का फर्स्ट चैप्टर है झारखंड के इतिहास से रिलेटेड शासन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आपको 7 शासन व्यवस्था पढ़नी है। मुंडा शासन व्यवस्था किसकी किसकी है? तो ये मुंडाओं की है। नागवंशी शासन व्यवस्था किसकी है? नागवंश के राजाओं की है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसकी है? तो उराओं की है। मांझी परगना शासन व्यवस्था किसकी है? तो ये संथालों की है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था किसकी है? तो हो लोगों की है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसकी है? तो ये खड़िया लोगों की है। और एक है जातीय पंचायत, जिसमें से बहुत सारे अनुसूचित जाति, जनजाति और सदानों की व्यवस्था है, वो है जातीय पंचायत व्यवस्था। छात्रगण, आपको यही 7 शासन व्यवस्था पढ़नी है, जिसके तहत 14 से 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जेपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 2 में, अर्थात झारखंड के सामान्य ज्ञान में। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर छात्रगण, मैंने इसमें से मुंडा शासन व्यवस्था क्या है, उसका कौन कौन सी प्रशासनिक इकाई है, कौन अधिकारी कहां काम करता है, किसकी क्या काम है, ये सारी बातें मैंने लेक्चर के माध्यम से तत्पश्चात आपको नोट्स भी लिखाया है। मैंने बताया था मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो मुंडाओं की है, और मुंडा शासन व्यवस्था की प्रशासन देखा जाए तो एक परिवार से खूट से शुरू होती है, और वो खूट परिवार जब एक खेती के लायक जमीन बनाता है तो उसे खूट कट्टी कहते हैं, और जब उस खूट कट्टी जमीन पर एक पूरे परिवार का अधिकार होता है तो उसे खूट कट्टी दार के नाम से पुकारते हैं, और जब ये पूरा परिवार बड़ा हो जाता है तो गांव का रूप ले लेता है और उस गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं, और मुंडा गांव के प्रशासनिक इकाई की एक महत्वपूर्ण धुरी होता है, उसे केंद्रीय भूमिका होती है, यद्यपि उसकी सहायता हेतु पाहन और महत्व होते हैं, जिसमें से अगर मुंडा के अवशेष में सारे काम पाहन करते हैं, यद्यपि पाहन एक धार्मिक गुरु है जिसे लगान मुक्त भूमि दी जाती है, उस लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी के नाम से पुकारते हैं, यद्यपि वही पाहन जो धार्मिक गुरु होते हैं जब उनको भूत प्रेत आत्मा, जब वे गांव के लोगों के लिए भूत प्रेत आत्मा को भगाने का प्रयास करते हैं तो उसके बदले जो उन्हें खेत दी जाती है उसे भूत खेता के नाम से पुकारते हैं, यद्यपि मातो की सहायता है भी पनभरा महतो इत्यादि भी अधिकारी होते हैं। इसमें से जो महतो होते हैं वो महतो सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। ऐसे में ही जब ये गांव की कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अगर गांव स्तर पर नहीं हो पाता है तो प्रशासन की दूसरी सर्वोच्च कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के रूप में
पढ़ा काम करता है, जिसके राजा को, जिसके मुख्य को, प्रधान को पढ़ा राजा कहते हैं। 12 से 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है और पढ़ा की सहायता हेतु भी विभिन्न प्रकार के अधिकारी होते हैं, दीवान, लाल, पांडे, बरादगंज इत्यादि अधिकारी होते हैं और इन अधिकारियों के माध्यम से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था काम करता है, जो मुंडा की सर्वोच्च इकाई है। यद्यपि कहीं कहीं मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज नाम की भी तीसरी इकाई, तीसरी यूनिट दिखाई पड़ती है, जिसके राजा को राज अर्थात राज के प्रशासनिक इकाई को, प्रधान को राजा कहते हैं। यद्यपि देखा जाए तो मुंडाओं की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च इकाई पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को ही मानी जाती है। छात्रगण, मैंने यही बताया था कि मुंडाओं के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था आरंभ हुआ, जो 64 ईस्वी में हुआ और इसके नागवंशियों के प्रथम राजा थे फणी मुकुट राय, जिन्होंने सुतियांबे को अपना कैपिटल बनाया। देखा जाए तो मुंडाओं ने, नागवंशियों ने मुंडा शासन व्यवस्था को ही उसी तरह शासन को चलने दिया, भले ही उसका और विस्तार कर दिया, नाम चेंज कर दिया, अर्थात नागवंशियों ने भी गांव के स्तर पर मुंडा को ही प्रधान रखा। और दूसरा में प्रशासन इकाई में उन्होंने भी पढ़ा ही नाम दिया, बस अंतर यही है कि पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा ना कहकर मानकी कहा गया, यद्यपि मानकी का भी नाम चेंज करके बाद में मानकी के स्थान पर उन्हें भूहर शब्द का प्रयोग किया, जो भूहर लगान वसूलने का भी काम नागवंशियों के लिए करता था। बाद में मुगलों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा जब उस पर हस्तक्षेप किया गया तो उसकी सारी प्रशासनिक व्यवस्था चलमरा गई। छात्रगण, हम चल रहे थे नागवंशी शासन व्यवस्था पर। हम मेरा नोट्स इसके पहले क्लास में हम नागवंशी शासन व्यवस्था पर कुछ नोट्स को लिखा चुके थे, उसी नोट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अर्थात चैप्टर नंबर 21 का जो बी चल रहा था उसी 21 के बी में हम नागवंशी शासन व्यवस्था के कुछ पॉइंट्स को लिखा चुके थे, उसी पॉइंट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके छात्रगण, तो हमारा चैप्टर चल रहा है वही नागवंशी शासन व्यवस्था, और उसी नोट्स को कंटिन्यू कीजिए और लिखिए, नागवंशियों के काल में, नागवंशियों के काल में भी, नागवंशियों के काल में भी पूर्व की कर व्यवस्था, मतलब पूर्व की मतलब किसकी, मुंडाओं की, पूर्व की कर व्यवस्था, भू व्यवस्था, पूर्व की कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था, देखिए मैं क्या लिखा हूं, नागवंशियों के काल में भी पूर्व की कर व्यवस्था, भू व्यवस्था और शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह ही, सभी मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही चलते रहे, मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही चलते रहे, चलते रहे। उसी में यद्यपि 16वीं शताब्दी के बाद, यद्यपि 16वीं शताब्दी के बाद, यद्यपि 16वीं शताब्दी के बाद मुगलों के हस्तक्षेप किस पर, नागवंशी शासन व्यवस्था पर, मुगलों के हस्तक्षेप के कारण नागवंशियों के शासन व्यवस्था में, मुगलों के हस्तक्षेप के कारण, यद्यपि 16वीं शताब्दी के बाद मुगलों के, नागवंशियों के, या मुगलों द्वारा नागवंशियों के शासन व्यवस्था में
परिवर्तन होना आरंभ हो गया। यद्यपि 16वीं शताब्दी के बाद मुगलों के हस्तक्षेप के कारण नागवंशियों के शासन व्यवस्था में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मुगलों के हस्तक्षेप से अब नागवंशियों ने नजराना, एक तरह से देखो बोला जाए तो कर ही हुआ, टैक्स, अब नजराना देना आरंभ कर दिया, जिसे अब मुगलों के हस्तक्षेप से नागवंशियों ने अब नजराना देना आरंभ किया, जिसे मालगुजारी कहा गया। मालगुजारी टैक्स, जिसे मालगुजारी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1616 में, 1616 ईस्वी में, सन 1616 ईस्वी में नागवंशी राजाओं के द्वारा, सन 1616 ईस्वी में नागवंशी राजाओं के द्वारा, नागवंशी राजाओं के द्वारा मालगुजारी ना देने के कारण, मालगुजारी ना देने के कारण सन 1616 ईस्वी में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी ना देने के कारण नागवंशी महाराज दुर्जनशाल, नागवंशी महाराज दुर्जनशाल को जहांगीर ने 12 वर्षों तक, नागवंशी महाराज दुर्जनशाल को जहांगीर ने 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। नेक्स्ट पॉइंट, 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध के पश्चात, पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात, नागवंशीय शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। मतलब अब सारा कर कहां देने लगे, अंग्रेजों को देना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लाई गई अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लाई गई
अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही, प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं और नागवंशियों की शासन व्यवस्था को लगभग तहस नहस कर दिया, लगभग तहस नहस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, समान रूप से नागवंशी शासन तंत्र, समान रूप से नागवंशी शासन व्यवस्था तंत्र का, समान रूप से नागवंशीय शासन व्यवस्था, समान रूप से नागवंशी शासन व्यवस्था तंत्र का प्रमुख तत्कालीन राजा ही हुआ करता था, राजा ही हुआ करता था। एक तरह से राजा अंतिम न्यायालय था, एक तरह से राजा अंतिम न्यायालय की भांति काम करता था, काम करता था। नेक्स्ट पॉइंट, नागवंशी राजाओं ने अपनी प्रशासनिक और सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर राजधानी परिवर्तन करते रहे, जो इस प्रकार है, एक तरफ कॉलम बनाइए नागवंशी राजा, और एक तरह बनाइए राजधानी, ऐसे बनाइए जो इस प्रकार है। दो कॉलम बनेगा, नागवंशी राजा, राजधानी। नागवंशी में लिखिए फर्स्ट या सिर्फ नाम दीजिए, फणी मुकुट राय, राजधानी कहां बनाया? सुतियांबे। फणी मुकुट राय का कैपिटल है सुतियांबे। नेक्स्ट, प्रताप राय राजा है, प्रताप राय राजधानी बनाया चुटिया। अभी भी जगह है रांची में, एक जगह चुटिया। नेक्स्ट भीम कर्ण राजा का नाम है, राजधानी बनाया खुखरा। नेक्स्ट दुर्जन साल राजधानी बनाया दो ईसा। नेक्स्ट यदुनाथ शाह राजा है, राजधानी बनाए पालकोट। नेक्स्ट जगन्नाथ सादेव
साथ देव। जगन्नाथ सहदेव, सहदेव लिखते हैं, सहदेव लिखी जाती है, जगन्नाथ सहदेव। इसमें लिखिए पालकोट, पालकोट भौरो नाम है, पालकोट भौरो, भौरो भौरो। नेक्स्ट लिखिए प्रताप उदय नाथ सहदेव, प्रताप उदय नाथ सहदेव रातुगढ़ को, प्रताप उदय नाथ सहदेव ने रातुगढ़ को राजधानी बनाया। किसको बनाया? रातुगढ़ को, रातुगढ़ को, रातुगढ़ को राजधानी बनाया। छात्रगण नंबर थर्ड लिखिए, आप लोग हेडिंग दीजिए नंबर थर्ड, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, पढ़ा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था नंबर थर्ड हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए आप लोग। शासन व्यवस्था का तीसरा पॉइंट है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, और इसे लिखिए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उरांव जनजाति से है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उरांव जनजाति समुदाय से है, उरांव जनजाति समुदाय से है। यह छात्रगण आपको ऐसे लिख सकते हैं कि उरांव जनजाति समुदाय की शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं, या आप ये लिख रहे थे अभी कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उरांव जनजाति समूह से है। आगे लिखिए उसी में, जिनकी शासन व्यवस्था दो स्तरों पर, जिनकी शासन व्यवस्था दो स्तरों पर कार्य करती है, टू स्टेज पर, दो स्तरों पर काम करती है, ग्रामीण स्तर पर गांव पंचायत और पढ़ा स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर गांव पंचायत और पढ़ा स्तर पर पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत, ग्रामीण स्तर पर गांव पंचायत और पढ़ा मतलब उससे बड़ा स्तर पर पढ़ा पंचायत। नेक्स्ट पॉइंट, गांव पंचायत, ये गांव पंचायत की शासन व्यवस्था में महतो, पाहन एवं भंडारी, मैं लिख रहा हूं महतो, पाहन एवं भंडारी, महतो, पाहन एवं भंडारी, भंडारी मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि महतो का सहयोगी, यद्यपि महतो का भी सहयोगी होता था जिसे मांझी, यद्यपि महतो का भी सहयोगी होता था जिसे मांझी
कहते हैं। जो पंचायती आदेशों को लोगों तक जो पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, तो छात्रगण आपने ये देखा कि पढ़ा शासन व्यवस्था जो उरांव की शासन समुदाय की व्यवस्था है या उरांव की समुदाय की शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं, और ये उरांव की शासन व्यवस्था दो स्तरों पर काम करती है, दो लेवल पर, एक ग्राम लेवल पर और एक बड़े लेवल पर, ग्राम से बड़े गांव लेवल पर मुख्य रूप से प्रमुख भूमिका निभाते हैं महतो, पाहन, भंडारी। अर्थात गांव स्तर पर गांव पंचायत के प्रमुख को महतो कहते हैं और यद्यपि महतो का भी कोई ना कोई सहयोगी होता था जिसे मांझी कहते हैं, यद्यपि महतो, पाहन और भंडारी ही गांव स्तर पे मुख्य भूमिका निभाते थे। अर्थात उरांव की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को महतो कहते थे, पाहन एक प्रकार का धार्मिक कार्यों को देखरेख करता था, संभालता था, पुजारी था, और भंडारी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करता था। यद्यपि महतो का भी सहयोगी कोई ना कोई था जिसे मांझी के नाम से पुकारी जाती है। बाद में जब ये गांव बहुत बड़ा हो गया तो पढ़ा का रूप ले लिया, पढ़ा। ओके छात्रगण, तो वही लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। महतो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, महतो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। यह पद वंशानुगत तथा ज्येष्ठता, जो सबसे बड़ा है, यह पद वंशानुगत और ज्येष्ठता के सिद्धांत पर काम करता था। यह पद वंशानुगत और ज्येष्ठता, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, यह पद वंशानुगत और ज्येष्ठता के सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पाहन गांव का पुजारी होता है जिसका कार्यकाल, पाहन गांव का पुजारी होता है जिसका टाइम पीरियड 3 वर्ष, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। अर्थात प्रत्येक 3 वर्ष में, अर्थात प्रत्येक 3 वर्ष में सरहुल के दिन, अर्थात प्रत्येक 3 वर्ष में सरहुल के दिन नए पाहन का चुनाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भंडारी का मुख्य काम गांव के संदेश वाहक या सूचनाओं के आदान प्रदान में मुख्य भूमिका निभाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, गांव पंचायत गांव के अंदरूनी विवादों का, गांव पंचायत गांव के अंदरूनी विवादों का निपटारा करती है, गांव पंचायत गांव के अंदरूनी विवादों का निपटारा करती है, परंतु एक से अधिक गांवों के बीच, परंतु एक से अधिक गांवों के बीच विवाद का निपटारा पढ़ा पंचायत में ही होता है, पढ़ा पंचायत में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गांव की संख्या जब अधिक हो जाती है तो कई गांवों को मिलाकर, गांव की संख्या जब अधिक हो जाती है तो कई गांवों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है, पढ़ा का निर्माण होता है, जिसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं। और ये पढ़ा पंचायत तीन स्तरों पर विभक्त होती है नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ा का भी अपना एक पंचायत होता है जो पढ़ा पंचायत कहलाता है, और इस पंचायत में और इस पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा दीवान और मंत्री, पढ़ा राजा दीवान और मंत्री मुख्य भूमिका निभाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ा राजा का सहायक दीवान सलाहकार की भूमिका, सलाहकार की भूमिका पढ़ा राजा का सहायक दीवान सलाहकार की भूमिका मंत्री पढ़ा राजा का सहायक दीवान इसका सहायक कौन होगा दीवान सलाहकार की भूमिका मंत्री सलाहकार की भूमिका मंत्री तथा संदेश वाहक का काम तथा संदेशवाहक का कार्य कोटवार करता है एवं
पढ़ा पंचायत स्तर पर एवं पढ़ा पंचायत स्तर पर बैठक की व्यवस्था और खान पान की भूमिका एक अधिकारी है, उसका नाम है पैन भरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ा पंचायत में दीवान एक प्रकार से पढ़ा पंचायत में दीवान एक प्रकार से शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। यद्यपि पढ़ा राजा का निर्णय ही अंतिम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ा पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंचायत की कार्यवाही में महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी होती है। उसी में पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता है। देखिए यहां पर वंशानुगत नहीं है, पढ़ा पंचायत में जो राजा बनेगा, मतलब पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता है, यह पद वांसानुगत नहीं है। अतः इसे भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है। जो गांव का धार्मिक प्रधान होता है, और यह पद किसी
और यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दी जाती है और यह पद शादीशुदा किसी व्यक्ति को ही दी जाती है। छात्रगण, अभी तक हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था, नाग वंश शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था का जिक्र किया। छात्रगण, हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो संथालों की अपने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है। हम देखेंगे इसमें ये किन किन स्तरों पर काम करती है, किसका क्या प्रधान है, किसकी क्या भूमिका है, किसका क्या रोल है प्रशासनिक व्यवस्था में। और हम ये भी देखेंगे कि उस व्यवस्था में कहीं कोई बदलाव आई या नहीं आई। छात्रगण, नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था किसकी है, संथालों की है। ओके, थैंक यू।